नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए IRFC लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आए दोस्तों। IRFC शेयर अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में January 24th को टारगेट क्या हो सकता है इस वीडियो पर समझेंगे। शेयर अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे रहे हैं दोस्तों शेयर होल्डर लोगों के लिए। 8 January 2024 को सपोज दोस्तों 161.30 से गिरावट हुआ तो कौन सा स्टॉप लॉस रहेगा, कौन सा टारगेट रहेगा, इस वीडियो पर समझेंगे दोस्तों। अभी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहे हैं IRFC शेयर ने 20.65 में ट्रेड करा दोस्तों अक्टूबर 2022 में। शेयर सिर्फ 20 रुपीस में ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लेकर अब तक के शेयर अपट्रेंड में दोस्तों बहुत ही अच्छी खासा रिटर्न बना के दे चुका है। बीच में थोड़ा सा एक करेक्शन देखने मिली है, बट वो प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सभी स्टॉक में वैसा होता है रहता है दोस्तों। बट ये शेयर में अभी भी एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने नहीं मिला है दोस्तों। ये शेयर अभी भी अच्छे खासा प्रॉफिट में जा रहे हैं। IRFC लिमिटेड शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सभी निवेश कर सकते हैं दोस्तों IRFC लिमिटेड शेयर पर दोस्तों। सपोज 161.30 से गिरावट हुआ तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में पहला स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। यहाँ से गिरावट हुआ तो पहला स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 160 रहेगा दोस्तों। 160 से भी नीचे आया तो ये शेयर 152 तक दिखा सकते हैं। सो 160 सेकंड स्टॉप लॉस 152 दोस्तों, ये दो स्टॉप लॉस पर आप नज़र रख सकते हैं। तेज़ी बन सकती है दोस्तों ये शेयर ने। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 166 को ब्रेक किया था, सर 175 से 180 तक भी टारगेट दिखा सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। आप लोग सोच कर इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो में कुछ भी बाय और सेल करने की सलाह नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।